आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अंश भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के नए दिन के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के लिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के नए दिन को देखने के लिए प्रभु हमें एक नया जीवन दिया है। प्रभु के इस वरदान के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इस पापमय दुनिया में रहते हुए हम ना जाने कितने बार प्रभु से दूर चले जाते हैं, प्रभु के विरुद्ध कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जो करना चाहते वो नहीं कर पाते हैं। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से माफ़ी मांगे, कहे प्रभु मैं तुझसे दूर चला गया हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, मुझे आशीष और कृपाओं से भर दे ताकि मैं तेरे इच्छा के अनुसार समय बिताऊँ, पवित्र जीवन जी सकूँ। आइए हम अपने कमजोरियों को, पापों को, गलतियों को प्रभु के चरण में रखें, स्वीकार करें और पश्चातापी हृदय से उस ईश्वर के पास लौटाए, ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, पारिवारिक जरूरतों को,
बीमार सदस्यों को प्रभु के चरण में रखे और कुछ पल के लिए अपने आंखों को बंद करे और अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए, हम वह राज्य प्राप्त कर सकें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1-12 तक। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसागा की चोटी पर चढ़ा, यह एरिखो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक गिलआद को सारे नफताली एफ्रेम और मनस्से के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यूदा प्रदेश को, नेगेम और यर्दन की घाटी तथा सोअर तक खजरों के नगर एरिखो के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आँखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहाँ मोआब में मर गया, जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पवोर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 बरस की उम्र में हुआ था। उसकी आँखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इसराइलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इसराइली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दे दिया था। बाद में मूसा के सदृश इसराइल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जाकर मिस्र में फिराउन उसके सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इसराइलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। धन्य ईश्वर, जो हमें जीवन प्रदान करता है। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उसके महिमामय नाम का गीत गाएं और उसकी महिमामय महिमा का स्तुति गान करें। वह ईश्वर यह कहे, तेरे कार्य अपूर्ण हैं। अनुवाक्य। धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। अनुवाक्य।
धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य, धन्य है ईश्वर, वही हमें जीवन प्रदान करता है। जय घोष, अल्लेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18, पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक कुछ भी नहीं। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई माती। ती तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक कुछ भी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है, और तेरे सामर्थ्य से यह हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक साथ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनर्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनर्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती और रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु येसु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पिलाने आ, यीशु मेरे यीशु।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करें और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु के श्वासें हैं।